चलिए अब एक रोचक खबर आपको बताते हैं जो कि रीवा से निकल के सामने आनी है, जहां गिद्दा के लिए एक अनोखा रेस्टोरेंट खुलने वाला है जिसमें एक साथ 200 से 300 गिद्ध भोजन का आनंद ले सकेंगे। रीवा के क्योटी जलप्रपात में तकरीबन 2 हेक्टेयर भूमि इसके लिए निर्धारित की गई है। ये भी बता दें कि रेस्टोरेंट की दीवारें पत्थर से बनाई जाएंगी और कई मचान भी तैयार किए जाएंगे। इस अनोखे रेस्टोरेंट के बारे में DFO ने बताया है कि भोजन की व्यवस्था फॉरेस्ट विभाग करेगा और इसकी जांच भी वेटनरी विभाग के चिकित्सक करेंगे। जटायु संरक्षण अभियान के तहत सर्वे में ये मिला कि जानवरों में केमिकल का इस्तेमाल करने से लगभग 99% से ज्यादा गिद्ध मौत की नींद सो चुके हैं, इसलिए इनकी संख्या बढ़ाने के लिए वर्चुअल रेस्टोरेंट की शुरुआत की जा रही है। वर्चुअल रेस्टोरेंट यानी कि गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की जा रही है। संख्या को बढ़ाने के लिए कई अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, उनमें से ही एक प्रयास है वल्चर रेस्टोरेंट। वल्चर रेस्टोरेंट या वल्चर सेफ फीडिंग साइट, ये एक तरह से माना जा सकता है गिद्धों का भोजनालय होगा, जहाँ पे उनको सेफ, जो गिद्धों को खाने के लिए सुरक्षित खाना होगा, खाना उनका होता है मवेशियों की डेड बॉडी या पशुओं की, तो वो उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसी डेड बॉडीज, ऐसी बॉडीज जिसमें कोई गलत प्रतिबंधित केमिकल या ड्रग्स ना हो, जैसे डाइक्लोफेनेक, केटोप्रोफेन, एसिक्लोफेनेक, ये सब ना हो। देखिए, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जटायु संरक्षण हमें करना क्यों पड़ा, क्योंकि देर वर ड्रग्स लाइक डाइक्लोफेनेक एंड एसिक्लोफेनेक कि जिनके जो कैटल कंजम्पशन कर रहे थे और उन मवेशियों को फिर जब गिद्ध खा रहे थे तो उनका किडनी फेलियर की वजह से काफ़ी इमीडिएट डेथ हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम, मतलब काफ़ी टाइम तक ये हमारे संज्ञान में भी नहीं आया, लगभग 99% पॉपुलेशन डिक्लाइन होता चला गया गिद्धों का, और फिर एकदम से अलार्म रेज हुआ था।